साथियों नमस्कार, मैं संजय अंबेडकर। आप देखना शुरू कर चुके हैं भीमराज दस्तक चैनल, जहां पे एक कार्यक्रम था बहुजन समाज पार्टी का, जो है कार्यक्रम वो था ओबीसी महासम्मेलन। हम यहां पे जानेंगे कि ओबीसी महासम्मेलन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हमारे साथ में काफ़ी तादाद में लोग जुटे हैं। आज हम जानेंगे इस कार्यक्रम में क्या सीखने को मिला क्या नहीं मिला। हमारे साथ में बहुत ही संघर्षशील नेता, हम इनसे भी जानेंगे इस कार्यक्रम में आपको क्या सीखने को मिला। आज बहुजन समाज पार्टी के इस जिला प्रयागराज में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का कार्यक्रम था। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कार्यकर्ताओं में जिस तरह का उत्साह भरा है, आने वाले समय में सारे कार्यकर्ताओं में इस तरह का जोश देखने को मिल रहा है। हम लोग जो है 2022 में आदरणीय बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरे जोश उत्साह के साथ लगेंगे। कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभी सुनने को मिला है कि 2022 में बहन मायावती को सरकार बनाने में जोरों और जोशों से लगे हैं, वहीं ओबीसी महासम्मेलन हो रहा है, तो ओबीसी पे भी बात होनी चाहिए। ओबीसी की क्या बात? बिल्कुल, आज कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को छोड़ करके बाकी जितनी भीड़ आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत भारी संख्या में इलाहाबाद में भीड़ आई थी, तो ये सारी भीड़ जो है पिछड़े वर्ग के लोगों की थी। पिछड़े वर्ग के लोगों में आज भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। सब लोग बहुजन समाज पार्टी से जुड़ करके बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इसी तरह देखने को मिला ओबीसी महासम्मेलन में काफ़ी ओबीसी के लोग जो है चढ़ बढ़ कर हिस्सा लिए। आपका नाम क्या है? प्रवीण भारती, जिला सचिव, विधानसभा प्रभारी सोराव प्रयागराज। अभी जो है प्रयागराज के जिला सचिव जी से बात हुई और हम दूसरे लोगों से बात करते हैं। इस कार्यक्रम में क्या हुआ क्या नहीं हुआ आप बताएं। सीखने को मिला एक एक वोट की कीमत, कि एक वोट की कीमत क्या होती है। एक वोट से आदमी हारता है जीतता है, तो हमको एक एक वोट दे के बहन कुमारी सुश्री मायावती जी को आगे बढ़ाना है और बीएसपी की सरकार लाना है। बीएसपी की सरकार लाना है 2022 में जी। इसी तरह देखते रहिए और हम लोगों से भी बात करेंगे। आपकी क्या राय है 2022 के विधानसभा आगामी चुनाव जो होने वाले हैं, इस पर अभी ओबीसी महासम्मेलन भी चल रहा है। मैं राजेश कुमार यादव, 254 फाफामा विधानसभा से, कि 2022 में बिना बहन मायावती जी की कोई सरकार नहीं बनेगी, इसलिए सारे लोगों का अथक प्रयास से बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। आप लोगों का आशीर्वाद होगा, पूरे लाइन में सारे लोगों का बराबरी का हक मिलेगा। तो इस कार्यक्रम में क्या मिला सीखने को? बोलो। जैसा कि पूरे उत्तर प्रदेश में पिछड़ों की आबादी 52% है, तमाम जो पिछड़े अति पिछड़े समाज के लोग हैं, जैसे पाल है, प्रजापति है, मौर्या है और राजभर है, बिंद है, केवट, निषाद, इस छोटी छोटी जातियों को हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी भीमराव राजभर जी पूरे प्रदेश में हर जिलों में जाकर जोड़ने का काम कर रहे हैं। जैसा कि आज इस कार्यक्रम में देखने को मिला, पिछड़े समाज के तमाम नेता, तमाम समाज में अच्छी पकड़ रखने वाले तमाम लोग जुड़े भी, और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने बड़ा उत्साह भरा सभी कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी से। ओबीसी महासम्मेलन में ओबीसी के लोगों को जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना पड़ा, और वहीं ओबीसी के जनगणना पर भी बात होनी चाहिए, उस पर क्या राय है? बिल्कुल, जनगणना होनी चाहिए, जिसकी जितनी संख्या हो उसको उसी हिसाब से हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। और बहुजन समाज पार्टी का स्टैंड है कि जातिगत जनगणना ओबीसी की होनी चाहिए। आपका परिचय? संतोष पाल, विधानसभा अध्यक्ष सोराव। अच्छा, विधानसभा अध्यक्ष सोराव जी से बात भी हुई, अब दूसरे लोगों से भी बात करेंगे। जो कार्यक्रम था ओबीसी महासम्मेलन को लेकर बात करेंगे, तो जो है ओबीसी महासम्मेलन में आप आए थे, यहाँ पे जो भी बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर जी आए थे, उनसे क्या मिला आपको सीखने को? उनसे मैं स्वप्निल निषाद, शहर उत्तरी विधानसभा उपाध्यक्ष, ओबीसी राजभर जी आए हमारे बीच में, हमको बहुत अच्छा लगा। और ये भी हम चाहेंगे कि ओबीसी समाज को आगे लेके चलें और अपनी सरकार बनाएं बहुजन समाज पार्टी की, और निषाद समाज को भी अपने साथ जोड़ें, और पटेल, पाल, बिंद जो भी समाज है सबको अपने साथ लेके चलें। निषादों की भलाई इसी पार्टी में, बहुजन समाज पार्टी में, बहन मायावती में है। आपका क्या कहना है 2022 के चुनाव को लेकर?
2022 में पूरे जमीनी कार्यकर्ता जितने भी हैं इस समय माननीय बहन जी के आदेशों का पालन कर रहे हैं और हम लोग बूथ जिता करके सभी विधायकों को जिता करके माननीय बहन जी के झोले में हम लोग डालने का काम करेंगे। और मैं BBF संयोजक शंकरलाल गौतम अपने नेताओं की रक्षा में सब कुछ जान बान सब लगा देने में हम लोग समर्पण रहते हैं। हमारे साथ में काफ़ी युवाओं की भी भीड़ है, तादाद भी है, हम उनसे भी जानेंगे 2022 के चुनाव को लेकर उनकी क्या मंशा है, 2022 में सरकार को बनाना चाहते हैं, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं, तो आपकी क्या राय है? मैं शशिकांत गौतम विधानसभा सुराह उपाध्यक्ष, आज की भीड़ को देखते हुए पिछड़ा वर्ग जिस प्रकार से आज उपस्थित रहा इससे जाहिर होता है कि 2022 में BSP की सरकार निश्चित रूप से बनेगी। इसका आंकड़ा भी कुछ लगाया जाए तो कितने सीटों पर जीत होगी? अब आंकड़े के हिसाब से देखा जाए तो 300 से ज़्यादा सीटें आने की उम्मीद है। अच्छा, हम लोग जो है उम्मीद इस तरीके से। अच्छा, लगातार जो है ब्राह्मण महासम्मेलन भी हो रहा है, उस पर भी बात होनी चाहिए। ब्राह्मण सम्मेलन कहाँ तक आपको सही लगता है? इस ब्राह्मण सम्मेलन की बात की जाए तो माननीय सतीश मिश्रा जी इसकी अगुवाई कर रहे हैं और जिस प्रकार से जगह जगह कार्यक्रम सफल हो रहे हैं इससे साबित होता है ब्राह्मण समाज इस बार BSP के साथ जुड़ेगा और जो है 2022 में सरकार बनाने में सहयोग जरूर करेगा। जो है चुनाव होने वाले हैं 2022 के जी, उस पर भी आप अपनी बात रखना चाहते हैं बहुजन समाज पार्टी को लेकर, क्या बात रखते हैं? देखिए, हमारा नाम अरुण यादव है, OBC से। हम जो है पूरा चढ़ बढ़ के चुनाव को लड़ेंगे और जो है भारी से भारी मतों से बहन जी को जिताएंगे, पांचवी बार मुख्यमंत्री बनाएंगे। आप जो है पांचवी बार मुख्यमंत्री बनाएंगे और इसी को लेकर आपकी क्या राय है? हमारा राय तो यही है कि इस बार बहुजन की पूर्ण बहुमत की सरकार होगी। मैं शहर उत्तरी से संजीव कुमार चंद्रा और विधानसभा महासचिव शहर उत्तरी, और मेरा ये वो है कि 300 के पार ही होगी सरकार में अपनी। आपका जो आंकड़ा है 300 के पार होगी बारे में, और लगातार OBC महासम्मेलन हो रहा है जी, अभी जो हुआ जी, इसमें आपको क्या लगता है कितने परसेंट OBC के लोग इकट्ठा हुए थे? OBC का परसेंटेज लगातार हम लोगों के साथ जुड़ता आ रहा है और इस बार उनकी भागीदारी हमारी 50% से ज़्यादा होगी, जो कि हमारी सरकार बनाने में उनकी पूरी तरीके से भागी होगी। अच्छा। और उनका सहयोग पूरा होगा, हमारे लोग उनका इंतज़ार कर रहे हैं और भी जिसका मान सम्मान स्वाभिमान सबकी रक्षा BSP में ही। अच्छा। पूरी परिचय आपका? मैं संजीव कुमार चंद्रा, शहर उत्तरी, प्रयागराज, इलाहाबाद। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे देखने को मिला OBC महासम्मेलन में काफ़ी लोग बढ़ चढ़ कर OBC के लोग हिस्सा लिए हैं, इसी के साथ चैनल को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।